माता सावित्री बाई फुले के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कोई बहुत वक्ता नहीं हूँ, इसलिए मेरी बात हो सकते उतना आपको ठीक ना लगे, लेकिन ये जो सामाजिक परिवर्तन के काम में हम लोग की लगे हुए हैं, आप लोगों को बहुत सारी बातें बड़े बड़े लोगों ने बताई हैं, कोई दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ चार चीज़ समराइज करूँगा। यहाँ का प्रॉब्लम, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, सॉल्यूशन सामाजिक बदलाव, सामाजिक चेंज, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कौन करेगा, ये काम कौन करेगा? जागृत बहुजन, वो बहुजन का काम है जिसको ये बात समझ में आ गई है, वही काम है। और कैसे करना है? एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। तो बस इतनी सी बात है। हम ये काम, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को देख के नहीं जुड़ा, हालांकि मैं पैगाम के लोग मेरे पास आए थे। आज से 6-7 साल पहले मुझे ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता था, हालांकि मैं जनरल मैनेजर हूँ MTNL में, IIT का पास आउट हूँ, IAS की भी रिटर्न परीक्षा पास कर चुका था। लेकिन विडम्बना यह है कि हम जैसे जिसको पढ़े लिखे लोग कहते हैं, इनको इन चीज़ों का एहसास नहीं था। ये पैगाम नाम की संस्था है, इसके लोग मेरे पास आए और उन्होंने ये चीज़ें बताई, तो उनकी बातें मुझे अच्छी लगी, उनके सिद्धांत अच्छे लगे। और वो सिद्धांत उनके सिद्धांत नहीं है, वो जो हमारे महापुरुष लोग हैं उनके सिद्धांत। तो मैं पैगाम से नहीं, उनके सिद्धांतों से जुड़ा हूँ, किसी व्यक्ति से नहीं, उनके सिद्धांतों से जुड़ा हूँ। तो और मुझे ये सिद्धांत अच्छी लगी, इसलिए ये सिद्धांत आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो इसका 11 फरवरी 2018, अभी जस्ट 1 महीने बाद, तालकटोरा स्टेडियम में पूरे देश भर से हमने लोगों को बुलाया है। और मुझे दिल्ली में आया 2 साल ही हुआ है अभी, तो ये छोटा मोटा काम करके हमको ये हौसला आया, क्योंकि हमको जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फुले, इनकी विचारों पे इतनी इतना विश्वास है, इतना, तो उससे हमको हौसला मिलता है, उससे हमको ताकत मिलता है। तो वो हमको लगता है कि ये काम हो सकता है, क्योंकि ये काम हुआ है। और ये मुझे लगता है कि बहुत आसान काम है, क्योंकि जिन मान्यवर काशीराम साहब को आप देख रहे हैं, उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था को साइकिल से ही ला दी। तो हम तो आज बड़े बड़े पदों पे हैं, वो तो हमसे भी कम पढ़े लिखे थे। अगर हम चाहें तो ये व्यवस्था, मैं तो कहता हूँ, 5 साल में हिल सकती है और ये पूरा देश आपका हो सकता है। फिर जुडिशरी भी आपका होगा, फिर आपका ये सत्ता भी आपकी होगी, विपक्ष भी आपका होगा, अगर ये सामाजिक परिवर्तन का काम हम करते हैं। तो बस इतनी सी बात है। आप 11 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 10 बजे अपने पूरे परिवार के साथ आइए और इस सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में आप हिस्सा बनाए। धन्यवाद।